हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हृदय मिश्रा और आप देख रहे हैं यहाँ पे टैंकर तेज यूट्यूब हिंदी चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेटीएम के सर्विस एजेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है पेटीएम के सर्विस एजेंट यहाँ पे बनना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पे जो सर्विस एजेंट बन सकते हैं और करीब करीब यहाँ पे 20 से 30 हज़ार रुपये मंथली आप जो है यहाँ पे पैसा जो है अर्न कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे आप एज अ पार्ट टाइम जॉब भी यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कि पेटीएम का सर्विस एजेंट क्या है तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और कैसे आपको यहाँ पे जो है अप्लाई करना है इसके लिए वो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, कितना खर्च लगने वाला है और आपको यहाँ पे अर्न कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं मालूम है कि पेटीएम का सर्विस एजेंट में क्या वर्क होता है, क्या काम किया जाता है, तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपको पेटीएम का सर्विस एजेंट बनना है तो आपको सिर्फ पेटीएम की एप्लीकेशन पे जाके वहीं से अप्लाई करना होगा और आप वहाँ से पेटीएम के सर्विस एजेंट का जो मेंबरशिप है वो ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें करना क्या होता है कि इसमें अगर आप जैसे ही पेटीएम के सर्विस एजेंट यहाँ पे बन जाते हैं तो आपको जो है स्टोर्स पे जाके, आपने देखा होगा कि आप जब भी किसी स्टोर पे जाते कोई सामान खरीदते हैं तो वहाँ आप जो है पेमेंट करते हैं अपने फ़ोन से पेटीएम में, आपके पास वहाँ पे सामने एक स्टिकर होता है उस स्टोर का, तो सर्विस एजेंट में वही स्टिकर आपको जो है स्टोर पे जाके यहाँ पे लगाना होता है, और लोगों से यहाँ पे जो है जो स्टोर वाले होते हैं, जो दुकान वाले हैं, उनसे बात करना होता है। अगर आप उस स्टोर में पेटीएम का ये स्टिकर लगा देते हैं पेमेंट वाला, तो वहाँ पे आपको हर स्टोर पे, हर एक कैंडिडेट पे आपको यहाँ पे 300 रुपये मिलता है। उसके साथ साथ आप अगर किसी भी स्टोर में ईडीसी मशीन को यहाँ पे लगवा देते हैं, सेल करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको जो है हर ईडीसी मशीन के सेल पे आपको जो है 1500 रुपये यहाँ पे मिलने वाला है। दोस्तों, ये जो ईडीसी मशीन होगा ये पेटीएम का ही होगा, ये आपको पेटीएम के द्वारा यहाँ पे मिलेगा। उसके साथ साथ आप जो है किसी भी स्टोर में जाके पेटीएम का साउंड बॉक्स यहाँ पे जो है सेल करते हैं, तो हर साउंड बॉक्स पे आपको जो है 100 रुपये का यहाँ पे मिलने वाला है, जो भी कमीशन है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। दोस्तों, इन तीनों में आपको क्या क्या करना होगा, कैसे आपको जो है ये पैसे मिलेंगे, उसके बारे में डिटेल में आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे सर्विस एजेंट बनना है तो आपको करना क्या होगा कि आपको पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करना होगा। उसके बाद जैसे पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो सर्च बार में जाना होगा, वहाँ पे सर्च करना होगा पेटीएम सर्विस एजेंट, तो वहाँ पे खुल के आएगा। तो वहाँ पे दो ऑप्शन आपको खुल के आएंगे, पहला तो आपको सर्विस एजेंट बनने के लिए कि आप किसी भी स्टोर में जो जाके वहाँ पे स्टिकर वगैरह लगाते हैं, तो उसके बारे में पहला है ऑप्शन। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप दूसरे में अगर टिक करते हैं, वहाँ पे ये है कि आप जो अपने फ़ोन से किसी का रिचार्ज करते हैं, किसी का बिल पेमेंट करते हैं, तो उस पर आपको कमीशन मिलेगा, तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे जो है वो भी दूसरा ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है पहले ऑप्शन पे जाना, उस पर क्लिक करना होगा, वहाँ पे व्यू मोर पे करना होगा, उसके बाद आपको सारी डिटेल यहाँ पे पेटीएम के सर्विस एजेंट के बारे में मिल जाएगी। अब दोस्तों, पहला यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी स्टोर में जाके यहाँ पे स्टिकर लगाते हैं पेमेंट का, वो स्टिकर होता है क्यूआर कोड वाला, जो भी स्टिकर होता है उसको अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो उस पर आपको 300 रुपये मिलेगा। मगर इसमें एक कंडीशन ये है कि जैसे ही आप जो है किसी भी स्टोर में जाके स्टिकर लगा देते हैं, उसका अकाउंट बना देते हैं, साइन अप कर देते हैं, तो तुरंत आपके अकाउंट में वहाँ पे 150 रुपये आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे 150 रुपये और बचता है क्योंकि हर अकाउंट पे 300 रुपये मिलता है, तो 150 रुपये आपको तब मिलेगा जब उस स्टोर से उस क्यूआर कोड से पेमेंट एक्सेप्ट होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है वो 150 मिलेगा। उसके लिए उस क्यूआर कोड से मिनिमम 10 ट्रांजेक्शन होना चाहिए, मीन्स कि उस स्टोर को 10 ट्रांजेक्शन जो है उस क्यूआर कोड से उसे पेमेंट अपना एक्सेप्ट करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे 150 मिलेगा। 150 आपको तुरंत मिल जाएगा, 150 जैसे ही 10 ट्रांजेक्शन होता है उस पर, उसके बाद आपको यहाँ पे 150 मिल जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जैसे ही कंप्लीट होगा आपके अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगा, 300 रुपये ऐसे मिल जाएंगे आपको। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे साउंड बॉक्स है कि अगर आप साउंड बॉक्स यहाँ पे सेल करते हैं तो हर सेल पे आपको 100 रुपये यहाँ पे कंफर्म है, आपको तुरंत यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे तीसरा जो अर्निंग सोर्स है ईडीसी मशीन के बारे में, तो इसके बारे में बता दें कि इसमें आपको जो है 1550 रुपये टोटल यहाँ पे मिलने वाले हैं पर ईडीसी सेल में। तो अगर आप किसी भी स्टोर में उस ईडीसी मशीन को यहाँ पे सेल करते हैं तो फ्लैट तुरंत आपको 800 रुपये मिल जाएंगे, बाकी आपको जो है 5 मंथ में आपको 150 150 रुपये मिलेंगे जैसे ही वहाँ पे उस मशीन से पेमेंट एक्सेप्ट होने लगेंगे। वो ईडीसी मशीन, जैसे कि आपको मालूम होगा कि एटीएम के थ्रू यहाँ पे कार्ड स्वाइप करके यहाँ पे पेमेंट एक्सेप्ट होता है, तो उसमें जैसे ही कोई हर मंथ में पेमेंट एक्सेप्ट होता है
तो उसके बाद आपको हर मंथ 150-150 रुपये ये 5 महीने तक आपको मिलता रहेगा। तो इस तरह से आपको जो है टोटल यहाँ पे जो है 1550 रुपये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पे सर्विस एजेंट बनना है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा बिकम अ सर्विस एजेंट, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। तो उस पर उसके बाद जैसे क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे आगे नहीं बताया फॉर्म फिलअप करके कि मुझे नहीं बनना है, मुझे लगा कि आपको यहाँ पे बता दिया जाए। तो आप अगर बनना चाहते हैं तो इस तरह से यहाँ पे बन सकते हैं और आप जो है पैसा यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको जो आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा डॉक्यूमेंट में। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें कि आप सर्विस एजेंट बनते हैं तो यहाँ पे आपको जो सर्विस एजेंट का मर्चेंडाइज का यहाँ पे जो किट है जिसमें आपको QR कोड मिलेगा, पेमेंट एक्सेप्ट करने का एक QR कोड होता है वो, तो 3 स्टिकर होते हैं, तो उसको आपको यहाँ पे लेने के लिए आपको 499 रुपये खर्च करने होंगे, जिसमें से आपको जो है 50 रुपये का आपको QR कोड मिलेगा और 40 40 40 और QR कोड मिलेंगे जो पेमेंट एक्सेप्ट होते हैं, तो वो भी। तो कुल मिला के आपको जो है यहाँ पे 50 स्टिकर जो है मिलेंगे। तो आप अगर यहाँ पे 499 रुपये देते हैं तो आपको ये जो मर्चेंडाइज वाला किट है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आप जो है किसी भी स्टोर में जाके वहाँ पे सारी डिटेल फिल करके अकाउंट बना करके यहाँ पे आप जो है अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों ये था छोटा सा अपडेट, मुझे लगा कि आपको यहाँ पे बता दिया जाए। अगर आप इसे पार्ट टाइम जॉब की तरह लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं और वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको और कुछ पूछना है इसके बारे में नीचे आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई करूँगा। और मैंने यहाँ पे सारी डिटेल में आपको यहाँ पे बताया तो शायद आपको पूरा समझ में आ गया होगा। बाकी और भी कुछ अगर छूट जाता है तो उसके लिए यहाँ पे सॉरी है। बाकी अगर आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट में पूछिए। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी पता चल सके। और इस वीडियो को आप उन दोस्तों को जरूर यहाँ पे शेयर करें जो इस समय खाली हैं, जिनको पार्ट टाइम जॉब करना है, तो इस वीडियो को देख के यहाँ पे पेटीएम के सर्विस एजेंट के बारे में जान के वहाँ पे ये सर्विस एजेंट बन सकते हैं, उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। तो उनको आप जो है वीडियो जरूर शेयर करिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।